अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हमारे घर यूके से शेफ आए हैं जिनका नाम है यासीन भाई टोपर। ये उनकी स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। चलो तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने पतीला लिया है, उसमें हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया है। अभी हम इसमें सारे अच्छे मसाले डाल देंगे। Right. सारे मसाले को हमने भून लिया है, अभी हम इसमें प्याज मिला रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ऑनियन हमारे फ्राई हो चुके हैं, तभी हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट को बराबर से भूनना है, उसका कच्चापन दूर हो जाए तब तक। व्यूअर्स, जिंजर गार्लिक को हमने बराबर से भून लिया है, तो अभी हम इसमें टोमेटो प्यूरी मिला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, टोमेटो पूरी तो हमने बराबर से भून लिया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अभी इस स्टेज पर हमें इसमें सारे ड्राई मसाले मिलाने हैं। सबसे पहले इसमें नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर, ये सेफ है इसलिए उन्हें हाथ से ही डालना सब पसंद है। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब चीज तकरीबन 4-5 टेबल स्पून जितनी होगी। हल्दी 2 टेबल स्पून जितनी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सारे ड्राई मसाले को बराबर से भूनना है। व्यूअर्स, अभी सेफ इसमें ग्रीन चिली मिला रहे हैं और साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं। कश्मीरी लाल मिर्च स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इससे चिकन करी का कलर बहुत अच्छा आता है। सारी चीजों को बराबर से भूनना है। देखिए व्यूअर्स, शेफ ने सारे मसाले को बराबर से भून लिया है और अभी इसमें सारे चिकन मिला रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने चिकन 8 किलो ली है। व्यूअर्स, सारे चिकन को अंदर डाल दिया है, अभी सारे चिकन को मसाले के साथ बराबर से भून लेना है और इसे बराबर से मिक्स कर लेना है। अभी सेफ इसमें बॉईल किया हुआ पानी डालेंगे। व्यूअर्स, इसमें बॉईल किया हुआ
हुआ पानी डालकर चिकन को बराबर से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, अभी इसके ऊपर ढक्कन ढक कर इसे 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है और बीच बीच में चम्मच लगाते रहना है कि चिकन हमारा जल नहीं जाए। देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारी गल चुकी है और पक चुकी है, तो अभी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और साथ ही में टेस्ट के लिए शेफ डाल रहे हैं ग्रीन कैप्सिकम और टमाटर। साथ में हरा धनिया। इन सारी चीजों को ढक कर 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं चेक कर लेती हूँ। मसाला, क्या खुशबू आ रही है। चिकन हमारी रेडी हो चुकी है, तो अभी गैस की फ्लेम को मैं ऑफ करती हूँ और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। देखिए व्यूअर्स, शेफ यासीन की चिकन रेडी हो गई है और उसका मैंने गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और घर वालों को खिलाइए। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और हम लोगों ने ये बनाया है। आप भी इसी तरह से ऐसे मौके पर बना सकते हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, नीचे बेल का आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। दुआओं में मुझे याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।